फॉर टेट का काम भारत ने हाल ही में किया है पद्म अवार्ड 2024 के अनाउंसमेंट में। बाय द वे आपको मैं बता दूं कि इस बार के जो पद्म भूषण अवार्ड मतलब अनाउंस किए गए हैं इसके अंदर कुल 132 पद्म अवार्ड अनाउंस हुए हैं, जिनमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार भारत में 3 पद्म पुरस्कार हैं, सबसे श्रेष्ठ पद्म विभूषण, उसके बाद नंबर 2 पर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसका निर्णय प्रधानमंत्री की मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा एक जो कमेटी गठित की जाती है उसके द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। कब से शुरू हुए थे तो 1954 में भारत में पुरस्कारों के प्रारंभ हुए थे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नागरिक सम्मान में वो भारत रत्न है और दूसरा पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण के अंदर 3 श्रेणियां रखी थी 1, 2, 3, लेकिन बाद में बदल करके उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आप और हम जानते हैं। हाल ही के अंदर कपूरी ठाकुर जी के कारण सुर्खियों में भी रहा है। पद्म पुरस्कारों के अंदर 3 श्रेणियां हैं, लगभग हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित की जाती हैं। 78, 79, 93 और 97 के बीच में ये पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई है, अदरवाइज ये लगभग हर साल घोषित किए जाने वाले पुरस्कार हैं। इनको किन क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है तो कहा जाता है कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में और व्यापार और उद्योग की सेवा क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया हुआ है तो वो पद्म अवार्ड प्राप्त कर सकता है। कला है, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, सिविल, लिटरेचर, एजुकेशन, इन श्रेणियों में अगर किसी ने रिमार्केबल काम किया है, विशिष्ट कार्य किया है तो उन्हें पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं। ठीक है साहब, इसी के साथ साथ पद्म अवार्ड इस बार के मतलब 2024 के अनाउंस हुए हैं। कब अनाउंस हुए हैं तो 26 जनवरी के दिन अनाउंस हुए हैं। संभवतः मार्च अप्रैल में एक सेरेमनी के माध्यम से इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। ठीक है साहब, निर्णय कैसे लिया जाता है तो प्रधानमंत्री इस मामले को करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी बनी होती है कैबिनेट सचिव से, जो सबसे ऊंचा आईएएस अधिकारी होता है। इसके अलावा गृह सचिव से, राष्ट्रपति के सचिव से और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके अंदर शामिल किए जाते हैं कमेटी में। वो अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजते हैं, तब जा करके पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। और इस बार के पद्म पुरस्कारों के अंदर जो पद्म भूषण है, 17 पद्म भूषण है जो इस बार के, उनमें से एक पद्म भूषण श्री यंग लो को दिया गया है, जो कि टेक एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में आते हैं और ये ताइवान के रहने वाले हैं। साथियों, ताइवान को हमने पद्म भूषण दे करके पहले विदेशी नागरिक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। अब ये यंग लुंग कौन है इनके बारे में जानते हैं। ली यूंग असल मायने में भारत के प्रधानमंत्री के गत वर्ष काफी संपर्क में रहे, विशेष रूप से तब जब आज से कुछ समय पूर्व वेदांता और फॉक्सकॉन की डील टूटी थी, तब प्रधानमंत्री इनसे मुलाकात किए थे। और जब मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए इन्हें इंडिया इनवाइट किया था। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और पहचानने के लिए इन व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि फॉक्सकॉन कितना खास है, प्रधानमंत्री का इनसे मिलना कितना खास है, अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिए। फॉक्सकॉन असल मायने में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है। लगभग $225 बिलियन का सालाना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। $219 बिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू है, यानी हर साल इतना प्रोडक्शन ये पैदा करते हैं। अगर हम बात करें कोरियन डॉलर्स के अंदर तो $1.46 ट्रिलियन की इनकी नेट वैल्यूएशन है। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में आप बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए जहां एक और इंटेल, सैमसंग के जैसी कंपनियों के नाम फेमस हैं, वहीं पर ताइवान की इस कंपनी का नाम दुनिया में सबसे ऊँचे स्थान पर आता है। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? आज जब हम टेलीविज़न देखते हैं या फिर हम जब पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, गाड़ी जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट लगाते समय जो सिग्नेचर्स बनते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर्स की वजह से। डिस्प्लेस जो आपके गाड़ी के ऑन होते हैं, फ्यूल खत्म होने पर, टायर की हवा कम होने पर, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो इंडिकेटर बजने पर, ऑटोमेटिक मशीन चला दी है आपने कपड़े धोने के लिए तो मशीन के बंद होने पर, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस। यानी आज आधुनिकता के नाम पर जब हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही अत्याधुनिक मशीन बनकर आ गई है, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर में अगर नाम लिया जाए तो ताइवान दुनिया में नंबर वन आता है। और ताइवान में नंबर वन फॉक्सकॉन आती है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, US एंड चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत बड़ी कंपनीज भी कंसिडर किए जाते हैं। अकेले अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहीं पर मतलब सेमीकंडक्टर का मार्केट लगभग $250 बिलियन का है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, $250 बिलियन का तो केवल
एशिया पैसिफिक में है तो वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा मार्केट होगा, और फॉक्सकॉन इस मार्केट का ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड का लगभग 40% मार्केट कैटर कर रही है। किस प्रकार से आप इसका स्टैटिक्स देखें तो आप पहचान पाएंगे कि 2020 से मतलब लगातार इनका ग्राफ ऊंचा होता चला जा रहा है। 215 बिलियन 222 बिलियन इस प्रकार से इनका मार्केट रहा है, रेवेन्यू जनरेशन में रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू तो इनकी और इससे ऊपर होगी, ठीक है। अब रिसेंटली सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि असल मायने में एप्पल ने चाइना से समेटा है अपना कारोबार और वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। एप्पल आ रहा था तो फॉक्सकॉन भी आनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली फॉक्सकॉन एप्पल के लिए ही बना करके सेमीकंडक्टर्स और असेंबलिंग एक प्रकार से फॉक्सकॉन के द्वारा ही एप्पल डिवाइसेस की जाती है। आज एप्पल का चाहे आईफोन 15 बन रहा हो या टैब बन रहे हो, ये सब इन्हीं के द्वारा, फॉक्सकॉन के द्वारा ही इंडिया में बनाकर दिए जाते हैं, ठीक है। लगभग 40,000 कर्मचारी फिलहाल तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के नाम पर ये यंग न्यू है जो कि भारत आए हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर जानने की है कि इसमें भारत सरकार का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप इस ऑडियो से सुन सकते हैं। ये ऑडियो प्रधानमंत्री के सामने लास्ट ईयर देते समय आपको ये सुनाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जब चाह होती है तो वहाँ रहा होती है। क्यों? क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन की डील जब टूटी थी तो ये लग रहा था कि फॉक्सकॉन दोबारा इंडिया नहीं आया, लेकिन भारत सरकार ने इंटरफेयर करके इन्हें वापस बुलाया और प्रधानमंत्री ने खुद इनसे संवाद स्थापित किया और प्रधानमंत्री ने इनके सामने बात रखी कि आज आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका असली मीनिंग होना चाहिए इंडिया और ताइवान। ये बात इन्हें कितनी याद रही, इनका ये ऑडियो सुन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनसे कहा आईटी मतलब इंडिया और ताइवान, यानी भारत सरकार ने इन्हें साथ लाने के लिए और इस बात से प्रसन्न होकर के ये बोले कि ताइवान आपका सबसे रिलायबल पार्टनर है और रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप ऐसे समझिए ना कि जितना मालदीव्स का कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुल जीडीपी नहीं है, उससे ज़्यादा तो इसका मतलब रेवेन्यू है, हर साल जो कमाता है उससे ज़्यादा है। और वो ऐसी स्थिति में भारत में आकर निवेश कर रहा है और बोलता है कि ताइवान आपका बहुत बड़ा समर्थक है और रहेगा, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर 28 जुलाई 2023 को इनसे मिले थे, चेयरमैन ऑफ फॉक्सकॉन से, और जब ये यहाँ मिले थे तो आप इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री के ऑफिस से देख सकते हैं। उस समय से ही चीन को लग गया था कि इंडिया ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। इंडिया के इस दाव के चलते चीन को एक मिर्ची तो स्ट्रेटजिकल लगी कि इंडिया ने ताइवान का समर्थन कर दिया है, और वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का भी दुख हुआ कि चीन दूसरे देशों में निवेश करके उन्हें अपना बनाता है। इंडिया चीन के दुश्मन से अपने यहाँ पर निवेश करा रहा है और वो व्यक्ति हंसते हंसते अपना हाथ इनको पकड़ा रहा है कि लीजिए सर, करिए सर, हम निवेश करते हैं, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत में 1.54 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रहे हैं, मतलब कि आप अंदाजा लगाइए 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है कि इंडिया में की जाएगी। इनका मानना है कि आने वाले समय में इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। एप्पल इटसेल्फ फॉक्सकॉन में 1.5 बिलियन डॉलर इंडिया में लगाने वाला है, ठीक है ना। एक और वीडियो देख सकते हैं कि ये पहले तमिलनाडु में आए थे और उसके बाद में फिर तमिलनाडु में आए। कहने का कुल मिलाने का मतलब ये है, इन्होंने तमिलनाडु के अंदर 1600 करोड़ का पहले इन्वेस्टमेंट किया, 40,000 लोगों को जॉब दी, और जो 1.5 खरब लिखा हुआ है वो शायद 1.5 बिलियन है, 1.5 ट्रिलियन नहीं है जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। इसी प्रकार से तेलंगाना में इन्होंने 3300 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। भारत ने बकायदा इनके लिए एक सेमीकंडक्टर सीरीज सेमीकॉन इंडिया 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया था मोदी जी ने गांधीनगर में और इन्हें इनवाइट किया था। कुल मिलाकर के फॉक्सकॉन इंडिया में आकर के बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट, तेलंगाना में 3300 करोड़ रुपए का, साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और लंबा इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा होगा, क्योंकि एप्पल भी तमिलनाडु के अंदर काम कर रही है। तो अब इनके द्वारा, यंग लू के द्वारा इस तरह का काम किया जाना निश्चित ही चीन को तो अखरने वाला ही है, क्योंकि फॉक्सकॉन इंडिया है तो फिर एप्पल भी इंडिया है और इंडिया ओवरऑल अब सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्टर बनेगा। भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सोचकर देखिए, 40,000 लोग
तमिलनाडु के अंदर फॉक्सकॉन में काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसके चलते हुए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर इनके आने पर प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा जब यंग लियो को इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया तो वे तो खुश हुए ही, लेकिन भारत ने इनको सम्मान देकर के विश्व के साथ भी और ज़्यादा अच्छे से इनके साथ दोस्ती को मजबूत कर दिया है। आप इनके द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से, जो फॉक्सकॉन है इसका असली नाम हॉन हॉई है तमिलनाडु के अंदर, वो तमिलनाडु बोल रहा हूँ, ताइवान के अंदर है ना। तो इन्होंने भी बहुत सारा थैंक यू बोला है और इन्होंने कहा कि आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसीव दिस पद्म भूषण पुरस्कार। तो ये एक अच्छी बात है जो भारत के लिए देखी जा रही है। अच्छा, इसी समय ताइवान में चीन को एक झटका और भी लगा था, और वो क्या लगा था, ताइवान में जो फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव जीत करके आए हैं जिनका नाम है लाई चिंग टे, लाई चिंग जो है वो असल मायने में ताइवान के तो समर्थक हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चीन के विरोधी हैं। तो ताइवान में जो सरकार बनी है वर्तमान में वो चीन विरोधी सरकार बनी है। चीन विरोधी सरकार है तो निश्चित ही भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो उनका ध्यान भारत की तरफ होगा, और भारत की तरफ ध्यान होगा तो ये सुर्खी अपने आप में खास हो ही जाती है। तो इस प्रकार से फिलहाल के लिए सब कुछ चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई। बाकी फास्ट फूड फास्ट पॉइजन होता है, इसके ऊपर मैंने सेशन डाला हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आप में से जो भी साथी हमारा रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 3000 रुपीज़ में आपको हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी का कंप्लीट बैच उपलब्ध है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है जो आपको पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी के नोट्स आपके मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस 3000 से अधिक पेजेस के बनाए हुए नोट्स घर पर कुरियर किए जा रहे हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए निरंतर क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पर, UPPCS RO ARO के लिए लगातार टेस्ट चल रहे हैं इसी चैनल पर, आप जाकर उनका लाभ ले सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।